गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपकी लैब से रिलेटेड है, या आपके शेड्यूल मतलब लेक्चर्स में इंक्लूडेड है, ये लैब में इंक्लूडेड है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में बता रहा हूँ, बिल्कुल नया ही टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग आज देखते हैं। नीतीश, मेरी बात सुनाई दे रही है तुम्हें? जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। नाउ हमारा जो टॉपिक है दैट इज अ JDBC, ठीक है, दैट इज अ जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये होता क्या है? देखिए, जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन या कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो वो हम डेटा यूजर से लेते हैं और उसको कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं, या कोई स्टोर डेटा को क्या है हम लोग एक्सेस करते हैं और यूजर को देते हैं। तो इसी तरीके से डेटा का कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द यूजर एंड प्रोग्राम एंड प्रोग्राम टू यूजर। ना अगर हमारे पास अगर टेम्परेरी डेटा है, टेम्परेरी है, तो हम लोग उसे वेरिएबल में स्टोर करते हैं, और जब आपका प्रोग्राम खत्म होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब यहाँ पे समस्या आती है परमानेंट स्टोर करने की, तो हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज अ फाइल हैंडलिंग, जो हम लोग लैब्स 9 में पढ़ चुके हैं। लेकिन फाइल में जो डेटा स्टोर करते हैं बहुत ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं रहता, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेटाबेस यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा नाम, जैसे ओरेकल है, एसक्यूएल है, एमएस एक्सेस है, साइबेस है, एसक्यूएल लाइट है, तो बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करते हैं, और जब चाहे तब इसे स्टोर करा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ठीक है, ये डेटाबेस से आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करके कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें अब जावा हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, जावा एप्लीकेशन, तो जावा एप्लीकेशन में हम लोग डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे उसे डेटा एक्सेस करेंगे। तो बेसिकली जब भी हम कोई जावा एप्लीकेशन बनाते हैं, बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही है नीतीश? हाँ या ना? ठीक जी सर। है, तो जावा JDBC है क्या? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी इसका फुल फॉर्म है। और इसमें सबसे पहले पहली बात क्या है कि जब भी जावा एप्लीकेशन कोई भी डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है तो सिंपल टू टास्क परफॉर्म करता है। एक तो डेटा को स्टोर करता है, ठीक, यानी कि कोई नया डेटा आपका स्टोर करेगा। दूसरा क्या करेगा, डेटाबेस में डेटा को क्या करेगा, अपडेट करेगा, यानी कि एग्जिस्टिंग जो डेटा होगा उस डेटा को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। अच्छा, अब वो हो सकता है कि आप वो या तो डिलीट करे, या तो मॉडिफाई करे, या उसको चेंज करे, तो इस टाइप की टास्क परफॉर्म करेगा। और दूसरा क्या है, जो डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड होगा उसको क्या करेगा, एक्सेस करेगा, ताकि एक प्रॉपर फॉर्मेट में यूजर को रिप्रेजेंट किया जा सके। तो जब भी जावा एप्लीकेशन डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है तो ये दो मेन टास्क परफॉर्म करता है, एक तो स्टोर एंड अपडेट द डेटा, दूसरा रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, है ना, और प्रेजेंट द प्रॉपर फॉर्मेट टू द यूजर। ठीक, तो यहाँ पे क्या एक कंसेप्ट आया कि JDBC का, ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है, देखिए डेटाबेस की लैंग्वेज अपनी अलग होती है और जावा एप्लीकेशन की लैंग्वेज अलग होती है, तो दोनों के बीच क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो कैसे हो पाएगा, तो ये जावा ने हमारे पास कुछ क्लासेस एंड इंटरफेस डिफाइन कर रखे हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं जावा एप्लीकेशन एंड आपके डेटाबेस के बीच। हरी हरिशंकर, जी ठीक है, तो फिलहाल ये देखो स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? सर। ठीक है, आज हम लोग जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपका लैब नंबर 8 का इसमें कंसेप्ट यूज हुआ है डेटाबेस कनेक्टिविटी का। लेकिन उसको करने से पहले हम लोग को डेटाबेस कनेक्टिविटी आनी चाहिए, तभी हम उसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे। तो हम लोग शुक्रवार को देखेंगे कि डेटाबेस के लिए प्रोग्राम हम लोग डिजाइन करेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आपका कंसेप्ट पढ़ने हैं कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे होती है, यानी कि एप्लीकेशन से, जावा एप्लीकेशन से आप डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी देखिए जावा एप्लीकेशन जब भी कम्युनिकेट करेगी डेटाबेस से, डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगी, तो बेसिकली दो टास्क परफॉर्म करती है। पहली टास्क तो ये होती है कि कोई नया डेटा
को वो डेटाबेस में स्टोर करती है, या वो क्या करेगी, एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करेगी। ठीक है, दूसरी टास्क क्या होती है, ये जो डेटा हमारा स्टोर रहता है डेटाबेस में, उसको क्या करेगी, रिट्रीव करेगी और एक प्रॉपर फॉर्मेट में यूजर को प्रेजेंट करेगी। हरी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक, सर तो दो काम होते हैं जावा एप्लीकेशन के डेटाबेस कम्युनिकेट करने के लिए, कि एक तो डेटा स्टोर करेगी, अपडेट करेगी, और दूसरा क्या है, डेटा को एक्सेस करेगी फॉर यूजर के लिए, यानी कि यूजर को प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, अच्छा अब ये बात ध्यान रखिए कि हमारी जो डेटाबेस की लैंग्वेज है वो एक अलग लैंग्वेज में बना हुआ है। ठीक है, और जो आपका एप्लीकेशन है वो जावा में बना हुआ है। तो अब करना क्या है कि जब एक जावा एप्लीकेशन डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा तो डायरेक्टली नहीं कम्युनिकेट कर सकता, उसके लिए हमारे पास जावा में कुछ क्लासेस, मेथड और इंटरफेस प्रोवाइड किए गए हैं, जो क्या करेंगे, जावा एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करेंगे, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, JDBC। ठीक, JDBC क्या कर रहा है कि एक्सपोजेस एन एपीआई दैट अलाउज द डेवलपर टू कनेक्ट द डेटाबेस। क्या मतलब है, JDBC की जो अपनी क्लासेस इंटरफेस हैं उनको हम क्या कहेंगे, एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो क्या करती है, अलाउ करती है डेवलपर को डेटाबेस से कनेक्शन के लिए, जो एसक्यूएल की क्वेरीज हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए डेटाबेस पे, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए डेटाबेस से। ठीक है, तो JDBC जो है आपकी जो एपीआई है, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसकी हेल्प से क्या करेगा डेवलपर, जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, क्वेरी एग्जीक्यूट कराएगा जिससे कि डेटा को मैनिपुलेट किया जा सके और डेटा को एक्सेस किया जा सके डेटाबेस से। ठीक, हरी समझ में आया इतना? यस नीतीश बेटा समझ में आ रहा है? नीतीश चला गया, चलो। अच्छा, इट ऑल्सो प्रोवाइड द यूनिफॉर्म एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। देखिए, हमारे पास कोई एक टाइप का डेटाबेस नहीं है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस हैं, जैसे आपका एसक्यूएल डेटाबेस है, या आपका ओरेकल है, आपका एमएस एसक्यूएल है, साइबेस है, एसक्यूएल लाइट है, बहुत सारे हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उन डेटाबेस से हम इस JDBC की हेल्प से यूनिफॉर्म एक्सेस करेंगे, यानी कि उससे एक सिमिलर टाइप के स्टेटमेंट, यूनिफॉर्म एक्सेस, यानी कि हमारे जितने भी डेटाबेस हैं उनसे आप एक यूनिफॉर्म वे में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्या होता है कि हमारे पास कोई भी जावा जावा का जो एप्लीकेशन है किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट होगा, तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, हर डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ड्राइवर्स आते हैं। हर डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ड्राइवर्स आते हैं, जैसे हमारे पास अगर ओरेकल से कनेक्ट होना है, अगर जावा एप्लीकेशन को, तो उसके लिए अलग डेटाबेस, अलग ड्राइवर है, एमएस एसक्यूएल से कनेक्ट होना है तो उसके लिए दूसरा ड्राइवर है, एमएस एक्सेस से कनेक्ट होना है तो उससे अलग अलग ड्राइवर है, यानी कि हर डेटाबेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ड्राइवर्स अवेलेबल हैं, जिसकी हेल्प से क्या, बेसिकली ये क्या कर रहा है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिसकी हेल्प से वो क्या करेगा, जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्शन प्रोवाइड करेगा और हम अपना जो प्रोग्राम है उसको परफॉर्म कर सकेंगे। इन अ शॉर्ट, जो JDBC ड्राइवर है वो कर क्या रहा है, ये बात समझिए। मैंने अभी आपको बताया था कि जावा एप्लीकेशन की लैंग्वेज अलग है और डेटाबेस की लैंग्वेज अलग है, तो ये जो JDBC ड्राइवर है एक मीडिएटर, यानी कि एक इंटरफेस का काम करता है, यानी कि जो भी एप्लीकेशन से एसक्यूएल स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होंगे वो क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा डेटाबेस लैंग्वेज में, और डेटाबेस लैंग्वेज जो भी हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा उसका रिजल्ट किस में ट्रांसफर करेगा, जावा एप्लीकेशन के फॉर्मेट में। तो यानी कि JDBC ड्राइवर क्या है, एक इंटरफेस, यानी कि एक मीडिएटर की, ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, जो आपका क्या करेगा, एसक्यूएल स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है, जो एग्जीक्यूशन है, उसको परफॉर्म करके वो उस फॉर्मेट में, जो जावा एप्लीकेशन के फॉर्मेट में चाहिए उसमें कन्वर्ट करके देगा, और जो जावा एप्लीकेशन जो स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट कराने हैं
वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इस एसक्यूएल स्टेटमेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जेडीबीसी के हेल्प से जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, डेटा एक्सेस करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन करते हैं, किसकी हेल्प से, हम लोग जेडीबीसी ड्राइवर की हेल्प से, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, ठीक। तो ये हम लोग जेडीबीसी ड्राइवर पढ़ेंगे, जेडीबीसी कनेक्टिविटी पढ़ेंगे, बहुत सारे। अच्छा अब हम लोग जरा जेडीबीसी आर्किटेक्चर देख लेते हैं। अच्छा देखिए, एक हमारे पास जेडीबीसी एपीआई पढ़े, यानी कि ज्यादा जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। एक हमारी होती है ओडीबीसी एपीआई, ये क्या होती है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्लेटफॉर्म पे आप किसी भी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। इसके लिए ओबीडी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओडीबीसी ड्राइवर, अभी हम ड्राइवर के बारे में बताएंगे, बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, उन हर डेटाबेस के लिए, अलग अलग डेटाबेस के लिए अलग अलग ओडीबीसी ड्राइवर प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे अगर किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट करना हो, तो ओडीबीसी ड्राइवर की हेल्प से हम किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है, यानी कि अगर माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है तो ओडीबीसी काम करेगा, अगर माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म नहीं है तो फिर वो ये काम नहीं करेगा, हमें स्पेसिफिक ड्राइवर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको ब्रीफ किया है। अब हम लोग जरा जेडीबीसी आर्किटेक्चर देख रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है हरी? जी सर, दिखाई दे रहा है। ठीक सर, तो बहुत ध्यान से देखो कि हम लोग एप्लीकेशन से जेडीबीसी कैसे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप उसका ये अपर पोर्शन देखें, कनेक्शन रिजल्ट सेट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ये क्या एप्लीकेशन सेक्शन है, यानी कि जावा का एप्लीकेशन है। वो क्या करेगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा किससे, इस डेटाबेस से, जैसे ओरेकल का है आपका, एमएस एक्सेस का है, या मान लीजिए एमएस एसक्यूएल का है। तो कनेक्शन और जो एस्टेब्लिश करेगा वो किसकी हेल्प से करेगा, ड्राइवर मैनेजर की हेल्प से करेगा। और ड्राइवर मैनेजर क्या करेगा, ये देखिए ड्राइवर्स दिए हुए हैं, जैसे ओरेकल से कनेक्ट होने के लिए ओरेकल ड्राइवर है, जेडीबीसी ओवर ओडीबीसी ड्राइवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साइबेस ड्राइवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन अपर पार्ट क्या है, ड्राइवर मैनेजर से ऊपर ये एप्लीकेशन पार्ट है जेडीबीसी का, यानी कि इस एप्लीकेशन के थ्रू आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे और क्वेरी आप क्वेरी एग्जीक्यूट कराएंगे। और ये ड्राइवर मैनेजर क्या है कि ये ड्राइवर की हेल्प से डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, और जो भी इस एप्लीकेशन में क्वेरी एग्जीक्यूट होंगी वो क्या करेगा, ड्राइवर मैनेजर इस ड्राइवर की हेल्प से वो डेटाबेस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कराएगा, और जो एग्जीक्यूट होगी क्वेरी उसका रिजल्ट ड्राइवर मैनेजर ड्राइवर की हेल्प से वो ट्रांसलेट होगा जावा एप्लीकेशन के फॉर्म में, और उसे क्या करेगा, उसे डिस्प्ले कराएगा आपके स्क्रीन पर, यानी कि एप्लीकेशन में, ठीक है। ठीक, तो ये हमारा एक छोटा सा जेडीबीसी आर्किटेक्चर है, ठीक है। आगे चलते हैं, शिवम। हेलो शिवम, शिवम बेटा, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बेटा, ठीक है। आज मैं जेडीबीसी कनेक्टिविटी सिखा रहा हूँ, ये आपके लैब एक्सपेरिमेंट 8 के लिए जरूरी है, क्योंकि वहाँ हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे एप्लीकेशन के लिए। फिलहाल हम इतना छोटा सा ब्रीफ, अभी मैं पढ़ा रहा था लेकिन मैं छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ, तुम लेट में आए हो। तो जेडीबीसी क्या है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है जावा एप्लीकेशन से डेटाबेस के बीच एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, और जो क्वेरी होती है उसे एग्जीक्यूट करा के रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा हम आते हैं जेडीबीसी एपीआई अब एक्चुअली बताने जा रहे हैं। तो जेडीबीसी एपीआई प्रोवाइड्स अ डेटाबेस प्रोग्रामिंग एपीआई फॉर जावा प्रोग्राम्स, यानी कि जेडीबीसी एपीआई क्या कर रहा है, डेटाबेस प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है फॉर जावा प्रोग्राम से। यानी कि क्या है कि आप जावा एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस से डेटा एक्सेस कर सकते हो, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा टू ठीक नाउ, यहाँ पे जब भी जेडीबीसी एपीआई का यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे जेडीबीसी ड्राइवर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट हो सकेंगे, और हर डेटाबेस के लिए अपना एक जेडीबीसी ड्राइवर अलग आता है, ठीक है।
अच्छा, हम लोग अब देखते हैं कि JDBC ड्राइवर के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग, कि यानी कि वो कौन से ड्राइवर्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे अपने जावा एप्लीकेशन से। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग पहले। तो बेसिकली आपके पास चार टाइप के ड्राइवर्स अवेलेबल होते हैं। पहला होता है JDBC ODBC ब्रिज प्लस ODBC ड्राइवर। ठीक है, ये आपका जो ODBC ड्राइवर और प्लस JDBC ड्राइवर दोनों मिलके ये JDBC ड्राइवर बनाता है। ठीक है, और ये है क्या अभी बताते हैं आपको। दूसरा होता है नेटिव API पार्टली जावा ड्राइवर, फिर प्योर जावा ड्राइवर फॉर डेटाबेस मिडलवेयर, और चौथा ड्राइवर है प्योर जावा ड्राइवर फॉर डायरेक्ट टू डेटाबेस। ठीक है, तो हम जरा इन चारों को एक एक करके देखते हैं, क्योंकि आप जब भी डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे जावा एप्लीकेशन के थ्रू, तो आपको किसी एक ड्राइवर की हेल्प से क्या करना पड़ेगा, उसको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, हर डेटाबेस के लिए चारों ड्राइवर अलग अलग आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए MS Access है, तो MS Access के लिए चारों ड्राइवर अलग होंगे, और Oracle है तो उसके लिए चारों ड्राइवर अलग होंगे, और ये उसी जो बेसिकली कंपनी है वही आपको बना के देती है, दैट इज अ थर्ड पार्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग Type 1 JDBC ODBC ब्रिज प्लस ODBC ड्राइवर देखते हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? यस ठीक है, तो यस सबसे सर। पहले हम लोग Type 1 ड्राइवर देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, Type 1 JDBC ड्राइवर इज अ JDBC ODBC ब्रिज प्लस प्लस ODBC ड्राइवर। मैंने अभी बताया था ODBC का फुल फॉर्म क्या है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यानी कि जो विंडो आपका माइक्रोसॉफ्ट है, वो आप जिस भी सिस्टम पे, अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके अंदर ऑलरेडी एक ODBC ड्राइवर इनबिल्ट होगा, और उसकी हेल्प से हम लोग JDBC ODBC ब्रिज प्लस ODBC ड्राइवर का यूज करके हम लोग Type 1 ड्राइवर का हेल्प से डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं किसी भी टाइप का। मैं यहाँ छोटा सा दिखा रहा हूँ आपको, एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको अभी। मैं आपको ड्राइवर दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए अभी दिखा रहा हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में होता है, DSN। एक सेकेंड बेटा, सिस्टम। ये देखिए, ये हमारा यूजर DSN है। देखिए, इसमें एक्सेल से डेटाबेस कनेक्ट करना है, एक्सेस से डेटाबेस कनेक्ट करना है, तो किसी भी टाइप से आपने डेटाबेस कनेक्ट करना है तो कर सकते हैं, और इसमें ड्राइवर्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। मैं एक मिनट दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इसमें माइक्रोसॉफ्ट SQL ODBC का ड्राइवर है, SQL सर्वर का ड्राइवर है, बहुत सारे ड्राइवर हैं। जैसे आपने कुछ कनेक्ट करना होता है, किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना होता है, सबसे पहले उसका क्या करते हैं, DSN करते हैं, यानी कि डेटा सोर्स नेम। तो जैसे ही करेंगे तो आपको पूछेगा कि आपको किससे करना है, SQL सर्वर से, ODBC से, या आपको MySQL से। फिर ये DSN का नाम देते हैं, पोर्ट नेम देते हैं, यूजर पासवर्ड सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी कि हमें कहीं अलग से डेटाबेस ड्राइवर नहीं लेना पड़ता, इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, इसी माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म की पे ही अवेलेबल होता है, और इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से आप Type 1 ड्राइवर इसी में इनबिल्ट होता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, दूसरा जो ड्राइवर है आपका, अभी देखिए पहले ड्राइवर में क्या क्या है हम आपको बता दें। डेटाबेस सिस्टम दैट प्रोवाइड एन ODBC ड्राइवर बट नॉट JDBC ड्राइवर। देखिए, ये जो हमारा Type 1 ड्राइवर है, ये आपका क्या है, एक्चुअली में ODBC ड्राइवर है, दैट इज अ ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर, जो कि JDBC नहीं प्रोवाइड करता है, ये ODBC के थ्रू ही हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी ड्राइवर की जो कॉस्ट है, लो कॉस्ट डेटाबेस सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि ये हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पे ऑलरेडी अवेलेबल हो, माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे, अगर किसी और प्लेटफॉर्म पे होगा तो ये नहीं काम करेगा। ठीक है, और ये लो कॉस्ट होता है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, यूजिंग Type 1 ड्राइवर फॉर प्रोटोटाइपिंग ओनली, नॉट फॉर द प्रोडक्शन पर्पस इज रिकमेंडेड बाय सन माइक्रो सिस्टम्स। ठीक
यानी कि क्या है, जो आपका टाइफन ड्राइवर है ये कब इस्तेमाल करेंगे आप लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, यानी कि जब आप कुछ प्रोटोटाइप फॉर्म में दिखा रहे हैं, मॉडल के फॉर्म में दिखा रहे हैं, आपको दिखाना है छोटे छोटे ऑपरेशन, यहाँ देखिए डेटाबेस ऐसे काम करता है, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन, यानी कि अभी हमसे कह दिया कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम टाइफन ड्राइवर का यूज, क्योंकि जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है वो सारे सीटों की बुकिंग करता है, तो उसमें क्या होता है डेटाबेस की स्टोरेज होती है, डेटाबेस की एक्सेसिंग होती है, तो टाइप वन वो जो आपका प्रोडक्शन पे है वो बहुत हैवी लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ये टाइप वन ड्राइवर उसको कभी भी हैंडल नहीं कर पाएगा, तो टाइप वन ड्राइवर जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है यूजिंग टाइप वन ड्राइवर फॉर प्रोटोटाइपिंग ओनली नॉट फॉर प्रोडक्शन पर्पस, ठीक है, तो ये बात का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट सुटेबल फॉर हाई ट्रांजेक्शन एनवायरमेंट, यानी कि जब थोड़े मोड़े ट्रांजेक्शन है आपके दिन भर में 10, 20, 100, 200 तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर आपके बहुत ज्यादा हाई लेवल वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो कभी भी टाइप वन ड्राइवर का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अच्छा, इसमें और भी एक थोड़ा बहुत ड्रॉबैक है, द कंप्लीट जावा कमांड सेट इज नॉट सपोर्टेड बाय द टाइप वन ड्राइवर एंड इज लिमिटेड बाय फंक्शनैलिटी ऑफ ओडीबीसी ड्राइवर, यानी कि जो हमारे एसक्यूएल के कमांड हैं वो क्या कर रहा है, इस जावा कमांड सेट पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता है इस टाइप वन ड्राइवर में, तो क्या होता है इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, लिमिटेड हो जाती है, यानी कि हम सारे काम तो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए टाइप वन ड्राइवर हम लोग बस जस्ट टेस्टिंग प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज करते हैं, प्रोडक्शन पर्पज से नहीं यूज करते हैं, तो टाइप वन ड्राइवर क्या है आपका JDBC ODBC ब्रिज प्लस ODBC ड्राइवर। अगर हम लोग इसका डायग्राम देखें तो वो मैं दिखा सकता हूँ आपको, अगर आप देखें तो टाइफन ड्राइवर में देखिए क्या लिखा हुआ, जावा एप्लीकेशन JDBC API, अब ये ड्राइवर मैनेजर है जो कनेक्ट करेगा, इसमें जो DBC ODBC ब्रिज है, ODBC फिर डेटाबेस क्लाइंट लाइब्रेरी और फिर डेटाबेस सर्वर, इस तरीके से ये क्या होता है कनेक्ट होता है इन सारी चीजों के बीच। आगे देखते हैं हम लोग, उसके बाद आता है टाइप टू ड्राइवर, टाइप टू ड्राइवर का भी देखिए, यहाँ पे अब हमारा ओडीबीसी ना होके पार्शियल जावा जेडीबीसी ड्राइवर का यूज होता है, कैसे देखिए ये क्या है नेटिव एपीआई एंड जावा ड्राइवर, देखिए इसमें क्या होता है, एक तो कुछ पार्ट जावा का भी होता है और कुछ पार्ट क्या होता है जिस प्लेटफॉर्म के लिए वो बना होता है, जिस प्लेटफॉर्म पे वो डेटाबेस रन करा रहे हैं उसकी क्या होती है नेटिव एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस नेटिव लाइब्रेरीज को यूज करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की अलग होगी, लाइनक्स की अलग होगी, तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि टाइप टू ड्राइवर आपका क्या है पार्टली जावा ड्राइवर है, यानी कि कुछ पार्ट तो जावा का होगा और कुछ पार्ट क्या होगा उस प्लेटफॉर्म का होगा, उस प्लेटफॉर्म का कोड होगा नेटिव कोड जो भी मतलब प्लेटफॉर्म पे उस डेटाबेस को आपने रन कराना है, ठीक है, तो टाइप टू JDBC ड्राइवर इज अ नेटिव एपीआई पार्ट जावा ड्राइवर, यानी कि प्योर जावा ड्राइवर नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, आधा आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है और आधा आपका क्या होता है नेटिव एपीआई यूज करता है और आधा जावा का पार्ट यूज करता है, ठीक है। अच्छा, टू कन्वर्ट द JDBC कॉल्स इंटू नेटिव कॉल द मेजर डेटाबेस वेंडर टाइप टू ड्राइवर आर यूज्ड, तो हम JDBC ड्राइवर्स को अगर नेटिव कॉल में कन्वर्ट करना हो तो टाइप टू ड्राइवर का यूज करते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, दीज ड्राइवर्स सफर फ्रॉम द सेम परफॉर्मेंस इशू एज टाइप वन ड्राइवर, ठीक है, अब देखिए जैसा कि परफॉर्मेंस का इशू हमारे टाइप वन ड्राइवर में आया था वैसे ही क्या है बेसिकली यहाँ पे भी आता है। अच्छा, टाइप टू ड्राइवर फोर्स डेवलपर टू राइट प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड, यहाँ पे मैंने बताया कि चूंकि आपकी नेटिव एपीआई यूज हो रही है यानी कि वो कोड जो आपके प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है तो उनको यूज करता है, तो इस वजह से ये क्या होगा प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड को यूज करता है, ठीक है, यानी कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया। अच्छा, तो उसके बाद कहता है आल्सो डेवलपर फाइंड देमसेल्फ हैविंग टू परफॉर्म एडिशनल कॉन्फिगरेशन, अच्छा टाइप टू ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए क्या करना पड़ेगा एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये एक थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, व्हाई टाइप वन ODBC ड्राइवर रेफर कन्वीनियंस टू एक्सेस ODBC रेफर परफॉर्मेंस दे लिमिटेड, तो टाइप वन ड्राइवर में क्या था, आप देखिए टाइप टू ड्राइवर क्या है कि जो JDBC ड्राइवर है आपका, ठीक है, ये OS स्पेसिफिक होता है, ठीक है, और सेम परफॉर्मेंस इश्यू से ही वो इसकी भी होती कम होती है जावा फंक्शनैलिटी है, लेकिन ध्यान रखिए टाइप वन ड्राइवर से जो फंक्शनैलिटी है उससे ज्यादा हाई होती है इसकी,
ठीक है, टाइप टू की। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि कब आपको टाइप वन यूज करना है, कब आपको टाइप टू यूज करना है। उसके बाद आता है टाइप थ्री, दैट इज अ प्योर जावा ड्राइवर फॉर डेटाबेस मिडलवेयर। ये प्योरली, ये जो ड्राइवर है आपका, ये प्योरली आपका जावा में ही बना होता है, लेकिन ये थ्री टीयर सोल्यूशन के लिए यूज करते हैं अक्सर हम लोग प्रोडक्शन पर्पज के लिए। थ्री टीयर का क्या मतलब है कि क्लाइंट अलग, एप्लीकेशन सर्वर अलग और डेटाबेस सर्वर अलग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कि google.com हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो जहां से हम एक्सेस कर रहे हैं, मतलब जो हम सिस्टम से एक्सेस कर रहे हैं वो हमारा क्लाइंट हो गया, और जिस सर्वर से एक्सेस कर रहे हैं वहां वो क्या, वो एप्लीकेशन सर्वर हो गया। और ये जो हमारा गूगल का जो सर्वर है, इसका जो डेटाबेस है वो किसी और सिस्टम पे होगा, तो दैट इज अ डेटाबेस सर्वर। तो जब आप थ्री टीयर आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं वेब एप्लीकेशन का, तो टाइप थ्री ड्राइवर आपको बहुत सुटेबल होगा। अच्छा, इसमें क्या है, एक मिडिल वेयर भी यूज होता है जो क्या करता है, JDBC जो कॉल है, जो आपने एसक्यूएल स्टेटमेंट JDBC में एग्जीक्यूट कराए हैं, वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर डेटाबेस का जो प्रोटोकॉल है उसमें कन्वर्ट करके देन डेटाबेस पे क्या करता है, एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ, द एडवांटेज ऑफ बींग सर्वर बेस्ड ऑफर टाइप थ्री JDBC ड्राइवर, दे डू नॉट रिक्वायर नेटिव क्लाइंट कोड। अच्छा, ये टाइप वन एंड टाइप टू से बहुत फास्ट होता है क्योंकि नेटिव कोड को नहीं यूज करता। ठीक है, अच्छा चौथा क्या है आपका, प्योर जावा ड्राइवर। देखिए डेटाबेस का जो ड्राइवर है, मुझे बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन फ्यूचर जब भी आप यूज करेंगे तो बिना डेटाबेस ड्राइवर के आप नहीं काम कर सकते, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए इन चारों ड्राइवर्स के बारे में। मेरी आवाज सुनाई दे रही बेटा? हेलो। यस ठीक, तो टाइप फोर ड्राइवर है आपका प्योर जावा ड्राइवर। ठीक, ये क्या होता है, ये पूरा पूरा आपका उसी लैंग्वेज में लिखा होता है जिस लैंग्वेज में डेटाबेस है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें कोई मिडिल वेयर नहीं यूज करना पड़ता, यानी कि जो भी JDBC कॉल दोगे वो क्या करेगा, डायरेक्टली उस डेटाबेस पे एग्जीक्यूट कराएगा विदाउट एनी कन्वर्जन। ठीक है, तो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा कि ये इसको हम थिन ड्राइवर भी कहते हैं, और डेटाबेस इसे डायरेक्टली यूज करता है, और इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, सबसे ज्यादा अधिक होती है। ठीक, ये मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये देखिए जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, दैट इज अ टाइप फोर ड्राइवर है, और आप राइट हैंड साइड में जो देख रहे हैं वो आपका टाइप थ्री ड्राइवर है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मिडलवेयर भी यूज कर रहा है डेटाबेस का। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन नहीं यहाँ ले करेगा, यहाँ डायरेक्टली जो एग्जीक्यूट कराएंगे वो आपके डेटाबेस सर्वर पे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये हमने आज देखा कि डेटाबेस ड्राइवर्स कौन कौन से होते हैं, चार टाइप के, ये मैंने यहाँ दिखा रखा है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी ड्राइवर का जो आपको सही लगे उसको यूज करके आप लोग डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि JDBC, हम यहाँ बात कर रहे हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी की, तो अब उसके लिए हमारे पास बहुत सारी क्लासेस और इंटरफेसेस होनी चाहिए जिसकी हेल्प से हम लोग डेटाबेस एक्सेस करेंगे जावा की हेल्प से। तो अब हम यहाँ पे पैकेज की बात करने जा रहे हैं कि वो पैकेज जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास एक पैकेज है, दैट इज अ java.sql पैकेज। ये पैकेज क्या करता है, बहुत सारी क्लासेस इंटरफेस कंटेन करता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एसक्यूएल क्वेरी सेंड कर सकते हैं डेटाबेस में, क्वेरी को रिजल्ट को प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम किसके हेल्प से करेंगे, एसक्यूएल पैकेज की हेल्प से। ठीक है, अब इस पैकेज में बहुत सारी हमारे पास मेंबर्स हैं, जैसे हमारे पास ड्राइवर मैनेजर क्लास, अभी एक एक का यूज बताएंगे कैसे करेंगे, ड्राइवर इंटरफेस, कनेक्शन इंटरफेस, स्टेटमेंट इंटरफेस, रिजल्ट सेट इंटरफेस, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस, द कॉलेबल स्टेटमेंट इंटरफेस, तो ये बहुत सारी, एंड रिजल्ट सेट मेटा डेटा इंटरफेस, हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, आज इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग लैब एक्सपेरिमेंट 8 जब इसका हम लोग शुक्रवार को एग्जीक्यूट कराएंगे तो परफॉर्म कर सकें, क्योंकि इसमें डेटा पढ़ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो नाउ अगर हम देखें कि व्हाट आर द स्टेप्स, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेसिंग अ डेटाबेस विद डेटाबेस JDBC कैन बी समराइज इन द फॉलोइंग सेवन स्टेप। हमारे सेवन स्टेप्स होते हैं, सिक्स स्टेप होते हैं, सॉरी डेटाबेस
सेवन स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला स्टेप क्या है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये सब तो मैंने थ्योरी बताया, अब हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही बेटा? शिवम, हरी, हाँ ठीक सर, है यस ना। तो पहले देखते हैं, सर, सबसे पहला स्टेप क्या है कि जब भी हम लोग डेटाबेस कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम उस ड्राइवर को लोड करेंगे अपने जावा एप्लीकेशन में, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अपनी कॉल्स को ट्रांसफर करेंगे डेटाबेस में और डेटाबेस से हम लोग एक्सेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ड्राइवर को लोड करने के बाद क्या करेंगे, कनेक्शन क्रिएट करेंगे डेटाबेस से। ठीक है, कि एक बार कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद स्टेटमेंट को एक क्रिएट करेंगे, और स्टेटमेंट को क्रिएट करने के बाद हमें जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट करानी होगी, ठीक है, या क्रिएट रिजल्ट सेट जो भी कराना होगा, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी हमें प्रोसेस करना होगा वो प्रोसेस करेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे, और उसके बाद डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज कर देंगे ताकि उसकी रिसोर्स वेस्ट ना जाए, कोई दूसरा भी यूज कर ले। तो इन स्टेप्स को यूज करके हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो जरा सा हम लोग देखने जा रहे हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है, स्पेसिफाइंग द ड्राइवर, यानी कि वो अब हम लोग किसकी हेल्प से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। तो वो हम ड्राइवर की हेल्प से कर पाएंगे, JDBC ड्राइवर। ठीक है, तो कैसे स्पेसिफाई करते हैं अभी बताते हैं। सत्यम भी शायद लेट ज्वाइन किया है, बता रहा हूँ बेटा सबको। सत्यम, आर यू लिसनिंग मी? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सत्यम? यस सर, यस सर, यस सर। आज का जो टॉपिक है वो JDBC कनेक्टिविटी है, यानी कि जावा एप्लीकेशन से आप डेटाबेस कैसे एक्सेस करेंगे। तो थ्योरी पार्ट तो मैंने काफी कुछ बता दिया है, अब हम लोग स्टेप्स यहाँ देख रहे हैं कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं द फर्स्ट स्टेप इन यूटिलाइजिंग ओके सर, JDBC इज स्पेसिफाइंग द स्पेसिफिक ड्राइवर नीडेड फॉर अ डेटाबेस। यानी कि अब हमें क्या करना है, JDBC से अगर हमें मतलब डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे एप्लीकेशन से डेटाबेस के बीच। तो डेटाबेस सर्वर हैज देयर ओन लैंग्वेज, यानी कि डेटाबेस की क्या होती है, अपनी खुद की लैंग्वेज होती है। तो और हमारी जावा एप्लीकेशन क्या होगी, खुद अपनी लैंग्वेज होंगी। तो दिस मीन्स दैट अगर आपको कम्युनिकेट करना है डेटाबेस सर्वर से तो आपको उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, हम लोग एक ट्रांसलेटर यूज करते हैं जो क्या करता है, एक इंटरफेस के काम करता है, किसके किसके बीच, जावा कोड एंड डेटाबेस सर्वर के बीच। ठीक है, और ये किसकी हेल्प से होता है, ये ट्रांसलेशन बाय यूजिंग JDBC ड्राइवर की हेल्प से। तो यानी कि इफ यू वांट टू एक्सेस द पर्टिकुलर डेटाबेस यू नीड टू लोड JDBC ड्राइवर फॉर दैट डेटाबेस। हर डेटाबेस के लिए क्या होगा, JDBC ड्राइवर अलग अलग आता है। मैंने चार टाइप के ड्राइवर बताए थे, Type 1, Type 2, Type 3, Type 4। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग कैसे लोड करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, क्लास डॉट फॉर नेम, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, उस ड्राइवर का नाम दे देंगे जिस ड्राइवर को हमें यहाँ यूज करना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम लोग ने ODBC ड्राइवर का Type 1 ड्राइवर यूज करना चाहते तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, sun.jdbc.odbc.jdbc.odbc ड्राइवर, ये पहले से स्पेसिफाई होता है। ठीक है, तो क्लास नेम में अगर Type 2 का ड्राइवर होगा तो कुछ अलग तरीके का होगा, Type 3 का होगा अलग, Type 4 का अलग, मैं भी आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, जब आपने ये ड्राइवर लोड कर लिया है तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें उसको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा डेटाबेस से। द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व कॉलिंग द गेट कनेक्शन मेथड ऑफ द ड्राइवर मैनेजर क्लास, यानी कि हमारे पास एक ड्राइवर मैनेजर नाम की एक क्लास है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, और किस मेथड से करेंगे, गेट कनेक्शन। तो देखते हैं वो कौन सा है, तो सेकंड स्टेप क्या हो गया, इस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन। ठीक, तो वंस डेटाबेस ड्राइवर, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, डेटाबेस का ड्राइवर लोड कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं।
तो ये कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है? बाय यूजिंग ड्राइवर मैनेजर और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट का यूज करके, कनेक्शन क्लास का। तो देखिए सिंटैक्स है, अगर आपको दिख रहा हो तो सबसे पहले कनेक्शन क्लास, यस सर, उसके बाद कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, ये कोई भी दे सकते हैं, इसका नाम इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और ब्रैकेट में हम क्या पास करेंगे, यानी कि उस डेटाबेस सर्वर का नाम, और URL, हाँ दैट इज अ यूआरएल, यानी कि किससे कनेक्ट करना है, किस सिस्टम पे है एक्चुअली, और उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम इसी तरीके से देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कहाँ मतलब स्टोर है यूआरएल में, और वो किससे कनेक्ट हो रहा है, और दूसरा उस डेटाबेस का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है टाइप वन ड्राइवर, दैट इज अ JDBC ODBC ब्रिज प्लस ODBC ड्राइवर। तो जब भी देखिए यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं कि सिंटेक्स देखिए क्या लिखा हुआ है कि दैट इज अ यूआरएल में हमने यहाँ अगर देखें तो JDBC कोलन सब प्रोटोकॉल एंड सब प्रोटो नेम। तो सब प्रोटोकॉल यहाँ बताएगा इट्स अ पार्ट ऑफ द डेटाबेस सर्वर, तो सब प्रोटोकॉल यहाँ पे ODBC यूज रखा, और सब नेम में क्या यूज कर रखा है DSN, यानी कि डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो ये देखिए JDBC कोलन ODBC और उसके बाद डेटाबेस का नाम मार्केटिंग डेटा। ये जस्ट आप लोग के लिए मैं केवल स्पेसिफाई कर रहा हूँ, अभी जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो वहां पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये हमारा सबसे पहला, तो हमने आपको बताया था कि ड्राइवर लोड करना, दूसरा कनेक्शन बनाना। अब कनेक्शन बनाना है तो अब उसके बाद कनेक्शन बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एक मिनट, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें SQL स्टेटमेंट्स को डेटाबेस पे एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ, नाउ दैट देयर इज अ डेटाबेस ड्राइवर लोडेड एंड कनेक्शन ऑफ द डेटाबेस, देयर नीड टू बी वे टू सेंड द SQL स्टेटमेंट टू द डेटाबेस। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेटमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा बाय यूजिंग कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे स्टेटमेंट, लिखा क्या हुआ स्टेटमेंट, हमने ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू कॉन डॉट, ये कॉन ऑब्जेक्ट नेम हमने पहले ले लिया कनेक्शन का, और क्रिएट स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट क्रिएट हो गया। अब इस स्टेटमेंट की हेल्प से ठीक है हम क्या करेंगे, क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक, क्वेरी देखिए दो तरीके से यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, केवल डेटा आपने वो लेना हो एक्सेस करना हो एग्जीक्यूट क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे और उसमें SQL स्टेटमेंट दे देंगे, और अगर आपने क्वेरी मतलब कुछ अपडेट करना हो डेटाबेस में तो आप एग्जीक्यूट अपडेट कमांड यूज करेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे SQL स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, तो जैसे एक छोटा सा लिखा हुआ, जैसे अगर आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है उसका डेटा लेना है तो सिंपली हम लोग क्या क्वेरी चलाते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, तो सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, तो ये तो हमने दे दिया एग्जीक्यूट क्वेरी में, और किसके थ्रू दिया स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब जब भी हम क्वेरी एग्जीक्यूट कराएंगे तो वो रो एंड कॉलम के फॉर्म में क्या होगा, रिजल्ट रिटर्न करेगा, जिसको हम लोग यहाँ क्या कहेंगे रिजल्ट सेट। तो इसको रिटर्न में क्या आएगा, दैट इज द रिजल्ट सेट, इसीलिए हमने उसका ऑब्जेक्ट बना के इसके इक्वल कर रखा है। अच्छा, जब हम अपडेट करते हैं तो वहां पर रिटर्न में केवल इंटीजर वैल्यू आती है। ठीक है, जैसे इंसर्ट इंटू डेटा टेबल नेम और उसकी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है। तो जैसा आपने SQL सर्वर पे यानी कि आपने डेटाबेस में एग्जीक्यूट कराया था इंसर्ट कमांड, वैसे ही यहाँ पे देंगे इस एग्जीक्यूट अपडेट में, और जब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा तो इसमें कोई ना कोई वैल्यू आएगा। क्या करना है, जैसे ही हमारा ये काम खत्म हुआ उसके बाद डेटाबेस को क्लोज कर देना है, तो हमने स्टेटमेंट भी क्लोज करेंगे और उसके बाद डेटाबेस कनेक्शन भी क्लोज करेंगे। तो दीज आर द 7 स्टेप्स इन विच यू फर्स्ट, सबसे पहले हम ड्राइवर को लोड करेंगे, उसके बाद कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, तीसरा स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, चौथा क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, पांचवा सॉरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, पांचवा और छठे सातवें में क्या है, हम कनेक्शन और स्टेटमेंट दोनों को क्लोज करेंगे। ठीक है, अब जरा इसका हम एक छोटा सा कुछ और भी है, मैं एक चीज और समझा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूं कि ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट सेट है। रिजल्ट सेट क्या करता है कि जब भी आप डेटाबेस की क्वेरी कुछ एग्जीक्यूट कराते हैं। अच्छा बेटा, इतना समझ में आया स्टेप्स? अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा बेटा मेरा बात? सर बेटा ठीक है, अभी तो बस केवल मैंने तुम्हें अभी जावा एप्लीकेशन के थ्रू सिखाया है, अभी तो मैं और भी इसमें बहुत कुछ सिखाना है। तो हम जब डेटाबेस में क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, तो क्या होता है कि ये क्वेरी क्या करता है, रो एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा रिटर्न करता है। ठीक है, हम क्वेरी एग्जीक्यूट करा रहे हैं, डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या होता है वो जब एग्जीक्यूट होता है तो वो रिजल्ट सेट इंटरफेस के ऑब्जेक्ट में हम लोग इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट सेट इंटरफेस से उस टेबल जो एक्सेस कर रहे हैं उसके डेटा को क्या करने के एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम रिजल्ट सेट का ये हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया, ये क्या करेगा, जब भी एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे तो ये देखिए आप, मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है कि देखिए एसटी स्टेटमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे तो जो भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा एसक्यूएल का सेलेक्ट वाला, उसके थ्रू हमारा क्या होगा, टेबल के फॉर्म में डेटा रिटर्न आएगा। और किसमें स्टोर करेंगे, रिजल्ट सेट में। इसी रिजल्ट सेट में कुछ मेथड्स होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड के पॉइंटर को आगे या पीछे यानी कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करेंगे एंड उसके जो कॉलम के जो वैल्यूज हैं उनको एक्सेस करेंगे। तो जब भी हम नेक्स्ट मेथड करेंगे आर एस डॉट नेक्स्ट, तो क्या होगा, हमारा जो कर्सर है फ्रॉम करेंट रिकॉर्ड पॉइंटर से क्या होगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड पॉइंटर पे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट रो पे, प्रीवियस करेंगे तो वो उससे पहले आ जाएगा, फर्स्ट करेंगे तो फर्स्ट रो पे चला जाएगा, और लास्ट करेंगे तो लास्ट रो पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड पॉइंटर को मूव करेंगे आगे या पीछे। ठीक है, अच्छा इस फर्स्ट भी इसमें एक मेथड होता है, अगर आपका रिकॉर्ड पॉइंटर पहले पे है और आपने इस फर्स्ट कॉल किया तो क्या रिटर्न करेगा, दैट इज अ ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरीके से इस लास्ट है, इस लास्ट में क्या बताता है कि हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर लास्ट पे है कि नहीं, अगर लास्ट में होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अच्छा ये तो था हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर मूव करने का रिजल्ट सेट से। अब हमारा आता है उसमें उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के फील्ड्स की वैल्यू एक्सेस करनी, क्योंकि डेटाबेस में जो रिकॉर्ड होगा उसके फील्ड की वैल्यू एक्सेस करेंगे। तो अब हमारे पास जो फील्ड है वो मे बी इंटीजर हो सकती है, मे बी डबल हो सकती है, मे बी वेरचर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, अभी हम लोग देखेंगे। तो उससे जिस टाइप का कॉलम होगा उसी टाइप का हम लोग गेटर मेथड यूज करेंगे। जैसे इंटीजर वैल्यू एक्सेस करनी है तो गेट INT और कॉलम नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। फ्लोट वैल्यू एक्सेस करनी है तो गेट फ्लोट, क्योंकि जब हम डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं उसी समय हम ये इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग डेट पहले से ही देंगे, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, गेट मेथड यूज करेंगे। तो गेट INT से इंटीजर वैल्यू, गेट गेट फ्लोट से फ्लोट वैल्यू, गेट स्ट्रिंग से स्ट्रिंग वैल्यू, और गेट डेट से डेट वैल्यू एक्सेस करेंगे। तो जिस टाइप का डेटा चाहिए होगा उस टाइप का गेटर मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाने जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप लोग क्या करेंगे, डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि SQL सर्वर के बारे में बता दूं, यानी कि डेटाबेस सर्वर, एंड दूसरा डेटाबेस में डेटा आप कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये दो चीजें मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक, तो मैं हाँ देखिए, आपके पास SQL सर्वर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने डायरेक्टली SQL सर्वर इंस्टॉल करना हो, देखिए आप चाहे ओरेकल से कनेक्ट करें, चाहे MS Access से कनेक्ट करें, चाहे आप किसी से कनेक्ट करें, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा वो डेटाबेस जिससे कनेक्ट होना है वो तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए SQL सर्वर से, तो आप यहाँ देख सकते हैं हाउ टू डाउन लोड SQL सर्वर। तो जब आप SQL सर्वर को डाउनलोड करेंगे एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, जैसे देखिए लिखा हुआ हाउ टू डाउनलोड इंस्टॉल SQL सर्वर, मैं दिखाता हूँ, क्योंकि तो कोई ना कोई SQL सर्वर होना चाहिए या डेटाबेस सर्वर होना चाहिए। तो डेटाबेस सर्वर है आपका ये SQL सर्वर। ठीक है,
तो जब आप हाउ टू इंस्टॉल करेंगे तो स्टेप वन में देखिए क्या लिखा हुआ है। एसक्यूएल सर्वर की जो आपकी जो ईएक्सई होगी सबसे पहले डाउनलोड करेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये देख लीजिएगा सर, एसक्यूएल सर्वर का इंस्टॉलेशन है जो कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने चलेंगे तो बेसिकली तीन ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, बेसिक, कस्टम एंड डाउनलोड मीडिया करके। तो आप लोग सिंपली बेसिक ऑप्शन चूज कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। एज इट इज डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक पे आप क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट स्क्रीन विल बी अपेयर, क्लिक ऑन द एक्सेप्ट। एक आपको स्क्रीन पे दिखाएगा माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस के बारे में, तो उसको बेसिकली आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, हाँ ठीक है। और इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बिलो एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन लोकेशन, जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये देखिए एक्सेप्ट जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपको दिख रहा हो अभी दिखेगा, हाँ नाउ आप देखें, ये देखें जहाँ मैं माउस आपका स्क्रॉल कर रहा हूँ और देखिए एक्सेप्ट लिखा हुआ है। तो जब भी एसक्यूएल सर्वर को आप इंस्टॉल करने चले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया वो आपसे पूछेगा लोकेशन कि कहाँ आपने सेव करना है। तो आप जहाँ भी सेव करना चाहें वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। जैसे देखिए इंस्टॉल लोकेशन कहीं और देना है तो आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं, और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, आपको इंस्टॉलेशन करना शुरू कर देगा एसक्यूएल सर्वर आपके सिस्टम पे। क्योंकि आपको डेटाबेस एक्सेस करना है तो आपके पास डेटाबेस होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एसक्यूएल सर्वर का आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो एसक्यूएल सर्वर इस तरीके से आपका पास डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद क्या होगा, इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन करने के बाद देखिए वो इंस्टॉल होता जाएगा, ये प्रोग्रेस यहाँ दिखाता जाएगा, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। और जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको बेसिकली इस टाइप की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें कि पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी कि आपका एसक्यूएल सर्वर बेसिकली कहाँ स्टोर हुआ है, इंस्टेंस नेम क्या है, कि हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इंस्टेंस नेम की, ठीक है। और कनेक्ट नाउ, कस्टमाइज, इंस्टॉल, ये सब अलग बात है, ठीक। और इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, बेसिकली एसक्यूएल रन करा के, ठीक है, सीएमडी ओपन करेंगे और एसक्यूएल रन करा के आप उसमें डेटा को ऐड कर पाएंगे, ठीक है। नाउ ये तो था आपका सीयूआई बेस, ठीक। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, दैट इज अ जैम सर्वर, ठीक है। अब मैं आपको जैम सर्वर के बारे में बताता हूँ। तो जैम सर्वर क्या है, एक बेसिकली सर्वर है, वेब सर्वर है, वो बेसिकली सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसमें वेब सर्विसेज भी चला सकते हैं, आप उसमें एसक्यूएल सर्वर भी चला सकते हैं, और भी दो चार चीजें चला सकते हैं। तो उसमें इनबिल्ट आता है, हमें कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना, जस्ट हमें इंस्टॉल करना और उसको यूज करना है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ जैम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मेरा प्रेफरेंस है कि जैम इंस्टॉल कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। हाउ टू इंस्टॉल जैम सर्वर, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही बेटा? हेलो हरिशंकर, शिवम, ठीक है। तो मैं छोटा सा ये एक और दिखाता हूँ, जैम सर्वर आप कैसे इंस्टॉल यस सर, करेंगे। तो इसमें ये एक वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसमें कि आप, हाँ सुनाई दे रहा बेटा? ठीक यस सर, सुनाई दे रही ठीक है। ठीक तो मैंने ये कहा कि या तो आप एसक्यूएल सर्वर ही केवल इंस्टॉल किए जैसे कि मैंने बताया है अभी आपको, नहीं तो आप जैम सर्वर भी कर सकते हैं। इसमें आपको एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आप जैम्प इंस्टॉल कीजिए। यह वेब सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, साथ में एमएमएस एसक्यूएल की भी फैसिलिटी सर्वर की प्रोवाइड करता है। इस पे आप पीएचपी, पर्ल कुछ भी चला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए सब इसमें दिया हुआ है इंस्टॉल करने का। पहले डाउनलोड करेंगे, फिर ईएक्सई रन कराएंगे, एंड ईएक्सई रन कराने के बाद ये सेटअप बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कि नेक्स्ट करते जाएंगे ये आपको पूछेगा कि क्या क्या इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी पूछेगा, तो इंस्टॉल करते जाइएगा।
इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आ जाएगा इस तरीके से, और इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद इसका कंट्रोल पैनल ये आपको दिखाई देगा, जो मेरे में चूंकि जैम सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। मैंने इंस्टॉल कर रखा है, देखिए इसी तरीके से एक कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगा, मैं दिखा रहा हूँ अभी। दिखा रहा बेटा, आ रहा, ओपन हो रहा। ये देखिए कंट्रोल पैनल आ गया जैम का, जिसमें कि देखिए पहला ऑप्शन क्या है, अपाचे। अगर आप वेब सर्विसेज यूज करना चाहते हैं तो यहाँ स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो अपाचे स्टार्ट हो जाएगा। इसका अपना प्रोसेस आईडी जनरेट होगा और अपना एक पोर्ट नंबर जनरेट होगा, दिखा रहा हूँ आप लोग को। जो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको MySQL सर्वर, वो ज़्यादा आसान है, इसको इंस्टॉल भी आप आसानी से कर लेंगे। ये देखिए नीचे लिखा हुआ अपाचे के नीचे, दैट इज अ माई एसक्यूएल, यानी कि एसक्यूएल सर्वर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के इसी के साथ इनबिल्ट आता है, तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसको जब भी आपको डेटाबेस यूज करना हो तो सबसे पहले ये माई एसक्यूएल सर्वर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा जैम के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ठीक है, जैसे ही इसमें देखिए एक पोर्ट नंबर यहाँ मिल जाएगा तो हमें मालूम चल जाएगा कि हमारा एसक्यूएल सर्वर यानी कि डेटाबेस स्टार्ट हो गया है। अभी दिखाते हैं आपको, ये देखिए इसका एक नंबर मिला 3306। पोर्ट नंबर क्या है, दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ डेटा, यानी कि उस पर्टिकुलर पोर्ट से क्या होगा, इस डेटाबेस की सर्वर की जो सर्विसेज है वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, नाउ तो इस 3306 पोर्ट नंबर को जरूर याद रखिएगा। इसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एसक्यूएल सर्वर से डेटाबेस एक्सेस करेंगे। नाउ जब भी हमने जैम यहाँ इंस्टॉल कर लिया, अब हमें क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमारे पास, अगर जैम आपके पास इंस्टॉल है, तो आपको करना क्या होगा, और ध्यान से देखिए अब, HTTP:// दो बार, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट। ठीक है, और स्लैश PHP माई एडमिन, आपको इसको करेंगे तो ये आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। इस डेटाबेस में हम अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमें डेटाबेस एक्सेसिंग करनी होगी तो हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए, तभी हम लोग कर पाएंगे। तो मैं अभी सबसे पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करना सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक्सेस मॉडिफिकेशन तो बात की बात है। तो सबसे पहले देखिए ये आपके पास इंटरफेस बना हुआ है, ठीक है। अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड के उस पर देखें, आपको दिख रहा होगा जहाँ PHP माई एडमिन लिखा हुआ, उसके नीचे क्या अमन BCA33 इंफॉर्मेशन स्कीमा इन्वेंटरी मॉडल ST, ये सब क्या है, ये आपके डेटाबेस है। अब देखिए आपको अपना नया डेटाबेस, देखिए डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती हैं, हम लोग टेबल एक्सेस करते हैं यूजिंग डेटाबेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। बेटा दिखाई दे रहा है, सत्यम शिवम एंड हरी। ऐसा तो जब भी हम इसको न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड स्क्रीन पे क्या होगा, ये एक दिखाई देगा डेटाबेसेस,
कौन कौन से डेटाबेसेस हैं और आपने क्रिएट करना हो। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, डेटाबेस नेम। तो हम MCA 31 नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्रिएट बटन है, तो डेटाबेस का MCA 31_31 नाम याद रखिएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, क्रिएट करेंगे, तो क्या हो गया, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, क्या आपको कोई डेटाबेस दिखाई दे रहा है MCA 31 का? बेटा दिखाई दे रहा है? हाँ हरी, शिवम, सत्यम, हेलो। सर आपको लेफ्ट हैंड साइड में MCA_31 नाम का डेटाबेस दिखाई दे रहा है? ठीक। सर अच्छा, जब हम देखिए MCA 31 हम क्लिक कर रहे हैं, देखिए राइट हैंड साइड में क्या लिख क्या रहा है, क्रिएट टेबल। क्योंकि तो अभी कोई भी टेबल नहीं है उसमें, तो हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने क्रिएट किया स्टूडेंट नाम की टेबल। ठीक, तो स्टूडेंट नाम की टेबल। अच्छा, आप लोगों ने डेटाबेस पढ़ा है नहीं पढ़ा? हेलो, आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में डेटाबेस पढ़ा था? यस सर ठीक है, तुम ही बचे हो, बाकी सब कहाँ चले गए। अच्छा खैर, स्टूडेंट नाम की टेबल हमने क्रिएट की, अब उसमें कितनी फील्ड्स रखनी है? तो जनरली हम लोग उसमें थ्री फील्ड्स रख लेते हैं। तो थ्री फील्ड्स में ID, नेम एंड सैलरी रख लेते, सॉरी मार्क्स रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स में 3 बनाया और गो प्रेस किया, तो हमारी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। टेबल क्रिएट होगी, लेकिन अभी हमें क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर स्पेसिफाई करना है कि उसमें क्या क्या नाम होगा। तो हमने 3 है, तो सबसे पहले हमने किया आईडी। आईडी इंटीजर रखा टाइप इसका, अगर आप देख रहे हो। ठीक है, और उसके बाद क्या रखा, नेम। नेम चूंकि वेरकैर होगा तो वेरकैर ले लिया हमने। और तीसरा क्या होगा, मार्क्स। मार्क्स आपका क्या होगा, जस्ट डबल होगा या समथिंग फ्लोट होगा, तो हमने डबल ले लिया है। तो ये हमारी 3 फील्ड हो गए, आईडी, नेम एंड मार्क्स। दिखाई दे रहा बेटा? अरे दिखाई दे रहा? सर हाँ सर ठीक है, तो हमारी 3 फील्ड क्रिएट है यहाँ पर। और इसका जो डेटा टाइप है वो दे रखा है कि आईडी इंटीजर टाइप की, नेम वेरकैर है, और मार्क्स क्या है, डबल टाइप है। उसके बाद हमने क्या किया, सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करेंगे प्लीज इन। अच्छा, क्योंकि वेरकैर है तो हमें लेंथ भी देनी पड़ेगी इसकी, तो हमने लेंथ भी दे दी। ये हमारा क्रिएट हो गया। अब देखिए टेबल, देखिए क्रिएट हो गई स्टूडेंट नाम की, देख रहे हैं आपको टेबल स्ट्रक्चर। नेम क्या है, आईडी, नेम एंड मार्क्स। उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, वेरकैर एंड डबल। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया। अब मान लो हमें इसको डेटा को कुछ स्टोर करना है, नया डेटा। तो देखो इंसर्ट लिखा हुआ है, तो डेटा हम लोग स्टोर करेंगे एक बार। तो पहली वैल्यू हमने दे दी सेल 1, और नाम क्या दे दिया, हरी, और मार्क्स दे दिए 90। और उसके बाद हमने क्या किया, गो। यहाँ पे जस्ट हमने डेटाबेस क्रिएट किया है, और उसके बाद फिर हमने डेटाबेस क्रिएट करने के बाद एक सेकेंड, हमने डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उसमें क्या किया, टेबल क्रिएट की। और टेबल क्रिएट करने के बाद हमने ये एक डेटा हमने इनपुट कराया। ठीक है, तो अगर हम स्टूडेंट का डेटाबेस देखें, तो देखिए ये ID 1, हरी एंड 90। ये तो था SQL सर्वर, जिसमें हम अभी केवल डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, टेबल क्रिएट कर रहे हैं और डेटा को फिल कर रहे हैं। अभी हमने जावा एप्लीकेशन से डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं की है। ठीक है, क्योंकि हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, तो डेटाबेस पहले क्रिएट कर दें, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर दें, तभी तो हम उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो अब इसके बाद हम लोग
अब हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ तक तो था थ्योरी पार्ट कि आप लोग जेडीबीसी क्या होता है, उसमें ड्राइवर्स कौन कौन से होते हैं, जेडीबीसी का आर्किटेक्चर क्या होता है, हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व टू कनेक्ट द डेटा फ्रेम फ्रॉम जावा एप्लीकेशन टू डेटाबेस। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब भी एसक्यूएल सर्वर आप इंस्टॉल करेंगे तो दो तरीके से डायरेक्टली एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप जैम सर्वर कीजिए ताकि वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आप डेटा को क्या डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, वरना आपको करेक्टर यूजर इंटरफेस एक्सेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने जो HTTP लोकल होस्ट PHP माई एडमिन मैंने यूज़ किया है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वो डेटाबेस सर्वर ओपन करेंगे, उसमें डेटाबेस क्रिएट किया, टेबल क्रिएट की, और उसके बाद उसमें हमने क्या किया, स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद हमने उसमें एक डेटा भी इनपुट डाला है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जावा एप्लीकेशन के थ्रू इसी डेटाबेस को हम लोग एक्सेस करेंगे। ठीक, तो जरा हम लोग आते हैं अपने जावा प्रोग्राम पर। अभी दिखा रहा हूँ तुम लोग को, ये हमने जावा का कंपाइलर ओपन किया। ठीक है, अब देखिए एक एक स्टेटमेंट को देखेंगे जो मैं करने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है कि हमें डेटाबेस की कनेक्टिविटी करनी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सत्यम सुनाई दे रहा है बेटा? सत्यम, यानी कि जो हमें डेटाबेस कनेक्शन करना है तो हमें क्लासेस इंटरफेस को यूज करके हेल्प से हम लोग यूज करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन करेंगे, तो उसके लिए जो पैकेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है SQL पैकेज। तो सबसे पहले हमें SQL पैकेज को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, चूंकि जावा का एप्लीकेशन का प्रोग्राम है तो इसमें सबसे पहले तो हम एक क्लास फाइल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर मेन मेथड होगा। ठीक है, और ये मेन मेथड हमने क्रिएट किया। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पूरा कोड लिखेंगे जिससे कि डेटाबेस को एक्सेस कर सकें। मैं दिखाता हूँ, सबसे पहला जो स्टेप था हमारा दैट इज अ ड्राइवर लोड करना है, तो स्टेप वन लोड ड्राइवर। तो स्टेप वन में हमने लोड किया JDBC ड्राइवर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था क्लास, क्लास इज द नेम ऑफ द क्लास एंड उसका एक मेथड है दैट इज अ फॉर नेम, और इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारे पास ड्राइवर है वो आपका है बेसिकली टाइप थ्री ड्राइवर। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए ये कनेक्शन स्ट्रिंग है एक, मतलब ड्राइवर का ये जो बेसिकली जो भी हमारा MySQL का जो ड्राइवर है दैट इज अ टाइप थ्री टाइप का है, यहाँ पे हमने यूज किया है, और उसकी जो स्ट्रिंग यहाँ दे रखी है वो यहाँ प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, तो हमने मेथड फॉर नेम में हमने क्या दिया, ड्राइवर की इंफॉर्मेशन दी कि जब भी हमारा क्लास डॉट फॉर नेम एग्जीक्यूट हो तो कौन सा ड्राइवर आपका लोड होगा, दैट इज अ MySQL का JDBC ड्राइवर। उसके बाद हमें ड्राइवर लोड होने के बाद हमें क्या करना है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे
आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे तो बहुत ध्यान रखिएगा। तो अब हमने ये क्या किया, कनेक्शन जो बेसिकली आपके इंटरफेस है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज अ कॉन, और हमने क्या किया ड्राइवर मैनेजर क्लास की हेल्प से हमने क्या किया गेट कनेक्शन मेथड यूज किया, यानी कि किस भी डेटाबेस से कनेक्शन आपको एस्टेब्लिश करना है वो यहाँ पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले यूआरएल, मैंने अभी आपको बताया था कि हमें सबसे पहले क्या देना है यूआरएल, और यूआरएल में क्या होगा कि आप किस डेटाबेस से यानी कि सब प्रोटोकॉल से आप एक्सेस करना चाहते हो और उस डेटाबेस का नाम क्या होगा जिससे कि आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर इस यूआरएल को देखिए क्या लिखा हुआ है, JDBC:MySQL, ये क्या बता रहा है कि हम जो डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं उसका प्रोटोकॉल का नाम क्या है, दैट इज अ MySQL, MySQL डेटाबेस का एक्सेस कर रहे हैं। और उसके बाद हमने क्या दिखा रखा है कि एक्चुअली में हमारा जो डेटाबेस सर्वर है वो है कहाँ और उसका कौन सा डेटाबेस है। तो यहाँ पे ये जो /local host दे रखा है ये हमारा सर्वर का नाम है, यहाँ पे हमारा डेटाबेस इंस्टॉल है, और उसके बाद हमने क्या दे रखा पोर्ट नंबर दे रखा, और उसके बाद क्या दे रखा डेटाबेस का नाम। तो चूंकि अभी आपने एक नया डेटाबेस क्रिएट किया था दैट इज MCA 3.1, तो यहाँ पे हमने उसका नाम दे दिया, और यूजर नेम जो है हमारा वो बेसिकली रूट है बाय डिफॉल्ट और उसका कोई पासवर्ड नहीं है तो इसलिए यहाँ ब्लैंक कर दिया है डबल कोट्स। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे उस डेटाबेस से आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, अब चूंकि हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा स्टेटमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि स्टेटमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, इसको जरा देखने जा रहे हैं हम। तो हमने स्टेटमेंट इंटरफेस का एक रेफरेंस वेरिएबल लिया और ये जो हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था क्रिएट स्टेटमेंट की हेल्प से, क्रिएट स्टेटमेंट मेथड का यूज करेंगे उसके ऑब्जेक्ट से और स्टेटमेंट को हम रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके से हमने जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है इसी स्टेटमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट करानी है, इसीलिए हमने क्या किया स्टेटमेंट को क्रिएट किया। उसके बाद हमने क्या किया इस रिजल्ट सेट का हमने एक, चूंकि हमें जो क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट रो एंड कॉलम के फॉर्म में, यानी कि जब भी हम सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम टेबल नेम देंगे, टेबल नेम हमने क्या लिया था यहाँ स्टूडेंट लिया था, ठीक है। अभी हमने देखा था कि अगर हम दिखाते हैं आपको तो ये देखिए हमारे पास MCA 3.1 इज द डेटाबेस और स्टूडेंट नाम की देखिए टेबल है, और इसमें अगर देखेंगे तो हमारे पास 3 है ID, नेम एंड मार्क्स, ठीक है। तो खैर आगे देखते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया ये क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है तो हम कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे बाय यूजिंग एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड, किसका होगा दैट इज अ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का होगा, और चूंकि जब भी सिलेक्ट क्वेरी चलाएंगे तो एक रिजल्ट रिटर्न होगा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो अब हमने क्या किया कि इसीलिए हमने इसको रिजल्ट सेट इंटरफेस के इक्वल कर दिया। अभी मैंने रिजल्ट सेट में जब भी हम इसको एक्सेस करेंगे तो रिकॉर्ड पॉइंटर क्या होगा सबसे पहले वाले रिकॉर्ड पे होगा, और जब हम एक्सेस करते जाएंगे तो रिकॉर्ड पॉइंटर क्या होगा नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करता जाएगा। अभी दिखा रहा हूँ आपको कैसे। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली में कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच गए। तो यहाँ पे एक रिजल्ट सेट का मेथड है दैट इज अ नेक्स्ट, मैंने आपको अभी दिखाया था। तो नेक्स्ट मेथड से रिकॉर्ड पॉइंटर क्या करेगा आपके नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ मूव करेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ मूव करेगा, ये यानी कि वाइल लूप तब तक चलता जाएगा जब तक कि उस रिजल्ट सेट में रिकॉर्ड है, और जैसे ही वो रिजल्ट सेट में रिकॉर्ड खत्म होंगे तो वो क्या होगा एंड ऑफ द फाइल पहुंच जाएगा और लूप ब्रेक हो जाएगा, यानी कि जो भी हमारा बेसिकली डेटाबेस एक्सेस हो रहा है और उसका जो रिजल्ट है रिजल्ट सेट में आ रहा है तो रिकॉर्ड पॉइंटर क्या होगा सबसे पहले बिफोर द फर्स्ट रिकॉर्ड होगा। अब हमें फर्स्ट रिकॉर्ड पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा रिजल्ट सेट का मेथड कॉल करना पड़ेगा दैट इज द नेक्स्ट।
इसलिए देखिए वाइल में क्या लिखा हुआ, आर एस डॉट नेक्स्ट। तो आर एस डॉट नेक्स्ट करने के बाद क्या हुआ, हम ये समझ गए कि हमारा जो रिकॉर्ड पॉइंटर है वो कहाँ है, पहले वाले रिकॉर्ड पे है। और वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम वहां से गेटर मेथड का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो उस गेटर मेथड को हम यहाँ देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखिए हमने क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्योंकि जो भी हमें डेटा मिलेगा उसको स्क्रीन पे दिखाना है, तो इसीलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख रखा है। मैं जरा स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर दूँ तो आपको अच्छे से और दिखाई देगा, ठीक। तो अब आपने देखा यहाँ पे, अगर आप देखें तो पहली फील्ड क्या है इसमें, इसके स्ट्रक्चर को देखिए, पहली फील्ड, एक सेकेंड बेटा, पहली फील्ड का नाम आईडी है, वो इंटीजर टाइप की है। दूसरी फील्ड का नाम नेम है, जो किस टाइप की, वेर कैर। और तीसरी फील्ड का नाम क्या है, मार्क्स, जो डबल टाइप की है। तो हमें इससे वैल्यू एक्सेस करनी है, तो उसी टाइप के गेटर मेथड यूज करने हैं हमें। अगर आप देखें तो यहाँ पे, अच्छा, चूंकि फील्ड की जो नंबरिंग है, अगर आप यहाँ देखें तो पहली फील्ड आईडी, दूसरी फील्ड नेम और तीसरी फील्ड मार्क्स, तो ये हमारी फील्ड नंबर है। तो यहाँ पे हमने अगर गेट, यहाँ पे देखिए पहली फील्ड अगर कॉल करनी है उसकी वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा, आर एस डॉट गेट आई एन टी, और ब्रैकेट में वो कॉलम नंबर पास कर देंगे, तो उस कॉलम की डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न, यहाँ रिटर्न आ जाएगा। क्योंकि दूसरी वेर कैर है तो यहाँ गेट स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ टू पास किया है, और तीसरी क्या है, डबल है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ, गेट डबल, ठीक है। और तीसरी हमने यहाँ बना दी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, डेटा को एक्सेस कर रहे हैं रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड। मैं उसके बाद जब ये हो जाए तो कॉन डॉट क्लोज को कॉल करेंगे, कनेक्शन क्लोज करेंगे और स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने अगर देखिए तो हमने क्या यूज किया, कॉन डॉट क्लोज, उससे पहले स्टेटमेंट को क्लोज कर दें, एस टी एम टी डॉट क्लोज, ठीक है, ये दोनों क्लोज कर दिए। अच्छा, इसमें जो हम लोग ये क्लास डॉट फॉर नेम यूज कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा एट कंपाइलेशन टाइम, क्योंकि चेक्ड एक्सेप्शन है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, और ठीक, इस तरीके से हमने डेटाबेस कनेक्शन का छोटा सा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है समझाने के लिए आपको। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा कि डेटाबेस कनेक्शन के लिए, तो ये आपका, एक सेकंड हम बड़ा भी कर दें एक बार, तो ये आपका स्टेप वन था, ये लोड ड्राइवर, ठीक है। और सेकंड स्टेप था, स्टेप टू में कनेक्शन, ठीक है। और स्टेप थ्री था कि क्रिएट स्टेटमेंट, बता रहा हूँ बेटा, तो मुझे छोटा कर लूँ इसको।
एंड स्टेप 4 एंड 5 में एग्जीक्यूट कराएंगे, सेंड करेंगे क्वेरी एंड एग्जीक्यूट कराएंगे, यानी कि प्रोसेस करेंगे, ठीक है। एंड 4 एंड 5 एंड 6 5 में स्टेटमेंट एंड कनेक्शन क्लोज करेंगे, ठीक है। अब इसी को हम देख रहे हैं कि अब हम इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है, अब इसी को हम लोग जरा रन कराते हैं। तो CMD ओपन किया हमने और CD प्रोग्राम, CD जावा, अब यहाँ पे जो हमने फाइल बना रखी है MySQL कौन नाम से बना रखी है, इसको हम कंपाइल करते हैं जावा सी MySQL कौन डॉट जावा, कोई एरर नहीं होगी तो ठीक ठाक होगा, कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, इसको रन कराएंगे, तो MySQL जावा अब देखिए हमने रन करा रहे हैं, तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, 1 2 4 7 8, ये क्या है पता नहीं, कंप्यूटर माउस गूगल स्मार्टफोन एंड हब, और इसके आगे क्वांटिटी लिखी हुई है। तो हम देखेंगे यहाँ जो मैंने डेटाबेस एक्सेस किया है वो दूसरा है, तो मैं दिखाता हूँ आपको उस डेटाबेस का नाम, दैट इज आइटम नाम का बेसिकली, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि हमने यहाँ पे कौन सा डेटाबेस किया, दैट इज इन्वेंटरी। तो इन्वेंटरी ओपन करके दिखाता हूँ, ये इन्वेंटरी आपने किया तो देखिए इसमें 3 है, एडमिन आइटम एंड प्रोडक्ट। तो जो हमने क्वेरी दी है इसमें कौन सी दी है, आइटम से दी है। तो अगर आप यहाँ पे आइटम को ओपन करें तो देखिए क्या दिया हुआ है, ID, iName, iQuantity एंड iPrice। और इसमें देखिए जो डेटा है अगर आप देखें, ठीक है, कंप्यूटर 16, और आप इसको देखें, दोनों डेटा क्या है सेम, ठीक है, पहला कंप्यूटर क्वांटिटी 16, ठीक है, दूसरा कंप्यूटर माउस। तो पहला देखिए क्या है, इंटीजर है। अगर आप इसको देखें गेट INT, तो गेट INT इसलिए लिया गया क्योंकि पहला कॉलम क्या है यहाँ पर इंटीजर है, और दूसरा क्या लिया, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों लिया, क्योंकि दूसरा कॉलम होगा वेर कैर, तो ये दूसरा कॉलम क्या है नेम का, ठीक है। अच्छा तीसरा कॉलम क्या है INT, दैट इज अ गूगल, कुछ होगा इसकी क्वांटिटी के बारे में, ठीक है, दैट इज INT। और चौथा क्या है प्राइस, अगर इसके स्ट्रक्चर को देखिए, इसके स्ट्रक्चर को देखिए तो ID INT है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, दैट इज अ गेट INT, और 1 पास किया पहले कॉलम के लिए। उसके बाद क्या आई नेम, तो यहाँ पे हमने गेट स्ट्रिंग बनाया और कौन सा एक्सेस किया दूसरा, और तीसरा है क्वांटिटी आई क्वांटिटी, तो यहाँ पे गेट INT ले लिया थर्ड कॉलम के लिए। अगर हमें चौथा कॉलम भी चाहिए तो देख लेते हैं प्राइस, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अभी करके आपको, एंड फोर्थ कॉलम, ठीक है, प्लस नहीं लगा यहाँ पर, प्लस लगा दो जरा मैं, ठीक है, इसको सेव करते हैं, फिर से रन कराते हैं, देखते हैं कि चौथा आ रहा है कि नहीं आ रहा।
ये देखिए, पहला कॉलम दैट इज आईडी, दूसरा कॉलम नेम, तीसरा कॉलम क्या है दैट इज अ क्वांटिटी, और चौथा कॉलम क्या है दैट इज अ प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये सारी चीजें क्या कर रहा है, डेटाबेस से एक्सेस कर रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे हम लोग जरा थोड़ा मैनिपुलेट करके देखते हैं। ठीक है, ब्राउज किया तो देखिए 5 दिखा रहा है, 1 2 3 4 5। यहाँ हम इंसर्ट करते हैं नया रिकॉर्ड, सपोज 10, आई नेम में हो गया हमारा माउस क्वांटिटी 40, प्राइस है उसका 200। तो अब यहाँ पे हमने जैसे ही गो किया, अगर देखेंगे तो ब्राउज करेंगे तो डेटा आपका यहाँ दिखा रहा है, लेकिन नया आइटम ऐड हो गया। और अब हम इसको दोबारा से चलाते हैं तो आपको दिखेगा कि नया डेटा आया कि नहीं आया। ये देखें नया डेटा क्या हुआ, इस पे आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ठीक, एक बार फिर से इस कोड को देख सकते हैं आप लोग, मैं दिखा रहा हूँ। सत्यम सत्यम यस सर, यस सर, दिखाई दे रहा है तुम्हें कोड? यस सर, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। वेट करिए सर, वेट। सर थोड़ा प्रॉब्लम है, एक हाथ टूटा हुआ है ना, तो नहीं हो पा रहा है सर। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो मैं अपलोड कर दूंगा तुम लोग के लिए, ठीक है ना, तो परेशान मत होना। ठीक है, ओके सर। हम लोग जब क्या कहते हैं उसे, अभी जब लैब एक्सपेरिमेंट 8 2 उसमें कराएंगे ना शुक्रवार को, तो वहां पे हम सभी तरीके के एक्सपेरिमेंट कराएंगे, मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। दैट इज अ डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड, अपडेट पर्टिकुलर रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, सर्च रिकॉर्ड, डिस्प्ले पर्टिकुलर रिकॉर्ड, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, पिछले शुक्रवार हो नहीं पाया था तो फिलहाल हम यहाँ, इसीलिए मैंने सारा डेटाबेस का बता दिया है कि कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, अच्छा इसमें 2 3 चीज़ें और हैं कि हम लोग अभी तक तो केवल यहाँ पे रिकॉर्ड एक्सेस कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अपडेट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट सेट से तो केवल हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, हम लोग अपडेट कैसे करेंगे ये मैं दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ देखिए क्या है, एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस आता है। ठीक, ये क्या करता है, ये जो भी आपको अपडेट करना हो या क्वेरी करनी हो, सारे स्टेटमेंट आप इससे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका बेसिकली करते कैसे हैं। ठीक, तो जब भी आपको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, आपने जैसे आपने क्रिएट स्टेटमेंट किया था वैसे ही आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी कर सकते हैं। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आप, ये एक इंटरफेस है, एक सेकेंड, ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस एक्सटेंड द स्टेटमेंट इंटरफेस। तो जो स्टेटमेंट इंटरफेस है वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस में इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, दैट इज अ एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका
अब यहाँ पे देखिए क्या है, हमने यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का अपना एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, दैट इज अपडेट सेल्स, और उसमें हमने क्या किया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया, इसको स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया। तो जो भी क्वेरी आपने देनी है बेसिकली हम इसमें दे सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये क्वेरी हमारे बड़े काम की है तब जब हमें कोई पैरामीटर पास करना हो, ठीक है। अगर आप ऐसे ही डबल कोट्स में क्वेरी चलाएंगे तो वो दिक्कत करेगा, अगर कोई पैरामीटर पास करना होगा तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, दैट इज अ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो जैसे इसमें देख रहे हैं कि अपडेट टेबल नेम सेट सेल्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वेयर कॉन्फ नेम लाइक क्वेश्चन मार्क, तो जहां जहां क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब क्या है कि हम लोग वहां पे कोई वैल्यू पास करेंगे तब क्वेरी एग्जीक्यूट कराएंगे। तो सिंपली एक स्केलेटन फॉर्म में हमने ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्रिएट कर लिया है। अब चूंकि ये वैल्यूज हमें यहाँ पास करनी है जहां पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ क्या होगा, सेट स्टेटमेंट्स सेटर मेथड्स यूज किए हैं। अगर वहां पे इंटीजर वैल्यू अगर देनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट INT और उस क्वेश्चन मार्क का नाम मतलब नंबर पहला दूसरा जो भी है वॉट एवर, और उसके बाद जो वैल्यू देनी है इंटीजर देनी है तो ऐसे ही दीजिएगा, और स्ट्रिंग देनी है तो डबल कोट्स में दीजिएगा। उसके बाद करने के बाद हम क्या करेंगे, वो क्वेरी चलाएंगे, चाहे एग्जीक्यूट क्वेरी चलाइए चाहे आप एग्जीक्यूट अपडेट चलाइए, जो चलाना हो चलाइए। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप पैरामीटर बेस अगर क्वेरी चलाना चाहते हैं तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का आप अच्छा यूज करके चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एग्जाम्पल चलिए मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आप लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करके क्या कर सकते हैं, क्वेरी एग्जीक्यूट करा सकते हैं कोई भी पैरामीटर बेस्ड हो, ठीक है। तो ये था आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी का, हम लोग नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसको देखेंगे सारे उसको बेसिकली लैब के असाइनमेंट को, कि डेटा कैसे रिट्रीव कर रहे हैं, रिट्रीव करना तो मैंने दिखा दिया है, उसके बाद अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट मॉडिफाई या सपोज कोई इंसर्ट करना हुआ तो कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे चूंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा कि देखिए Unit 1 आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग बेस है, ठीक है। अच्छा उसमें आपके जो भी IT में जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो मेरी कुछ डायग्राम बनाने को आएंगे, और इसमें MCQs बड़े टिपिकल टिपिकल आते हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको हिंट करता हूँ। तो मेरा ये राय है कि आप लोग ऑनलाइन इसको जरूर एक्सेस कर लीजिएगा, फिलहाल मैं डेटाबेस यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, आप लोग को अगर कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। सत्यम इज देयर एनी क्वेरी, ठीक नो सर, है मैं तुम्हें अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दूँ आपके MCQs के लिए, ठीक है। MCQs ऑब्जेक्ट जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, ये कह रहा है टू हाइड द क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है बेटा सत्यम, ठीक यस सर। है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ टू हाइड द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज व्हाट, इनहेरिटेंस इनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म और नन ऑफ दीज, बताओ क्या होगा पॉलीमॉर्फ होगा सर, पॉलीमॉर्फ क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ो फिर से, क्वेश्चन फिर से पढ़ो एक बार। टू हार्ड द इंटरनल। इंटरनल डिटेल को हाइड करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, याद करो क्या लिखा है, बी दैट इज इनकैप्सुलेशन, ठीक है बहुत ध्यान से दो, और दिखाते हैं। अच्छा ये देखो
क्या लिखा हुआ, एग्रीगेशन इज अ, बताओ सेट ऑफ रिलेशन। देखो एग्रीगेशन अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं है, एसोसिएशन क्या होता है, सेट ऑफ रिलेशनशिप होता है। एग्रीगेशन में हम रिलेशनशिप को कंपोज करते हैं, मैं इसीलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दे रहा हूं तुम लोग के लिए। और दिखाता हूं। अच्छा ये बताओ क्या लिखा हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स। सत्यम चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में तुम टाइप नहीं कर सकते हो, ठीक है रहने दो। तो ये देखो क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो क्या एट्रीब्यूट क्या करता है, ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा क्या लिखा हुआ, इज एन इंस्टेंशिएशन ऑफ अ क्लास। अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक इंस्टेंशिएशन ऑफ अ क्लास। ठीक है, अच्छा और दिखाते हैं तुम्हें। अब बताओ कह रहा है, अ मॉडल इज अ अंडरस्कोर ऑफ रियलिटी। क्या है आंसर इसका बताओ। अगर हम लोग देखें तो आंसर क्या है, सिंप्लीफिकेशन। मॉडल क्या करता है, आपके थॉट्स को, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करके रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा ये और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉडल हेल्प्स अस टू आर डैश सिस्टम एज इट इज आर द वे इट इज वांटेड। तो मॉडल एनालाइज डिजाइन विजुलाइज आर मेजर। तो इसका आंसर है बेसिकली विजुलाइज। विजुलाइज ठीक है, अगर आंसर देखे तो क्या कर रहा है, विजुलाइज। जो मॉडल क्या करता है, हमारे जो जैसा हम चाह रहे हैं उसको क्या करता है, विजुलाइज फॉर्म में प्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा और बताते हैं तुम्हें। देखो क्या लिखा हुआ, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इज स्ट्रक्चर्ड एज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरफेसिंग एजेंट कॉल्ड दैट इज एन ऑब्जेक्ट। यानी कि किससे वो कम्युनिकेट करता है प्रोग्राम, दैट इज अ एजेंट से, दैट इज एन एजेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट ही क्या करते हैं, पूरे सिस्टम में इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ, लिंक इज एन इंस्टेंस ऑफ व्हाट। लिंक हम लोग कब यूज करते हैं, मतलब लिंक किसका इंस्टेंस होता है, अगर कुछ आइडिया हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बताऊं। आंसर देखो दैट इज एसोसिएशन। ठीक है, तो एसोसिएशन हमेशा ध्यान रखना क्लासेस के बीच बनता है, और लिंक हमेशा ऑब्जेक्ट के बीच बनता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस ऑफ क्लास, तो लिंक क्या है, इज एन इंस्टेंस ऑफ एसोसिएशन। इज इट ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कह रहा है, एसोसिएशन क्या कहता है, मे एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द एंकर एंड यूज केस, आइडेंटिफाई द फ्लो ऑफ डेटा,
आइडेंटिफाई द इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर एंड यूज केस, आइडेंटिफाई द डिपेंडेंसी। देखो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द इंटरेक्शन, क्योंकि जब भी हम लोग लिंक एंड एसोसिएशन की बात करते हैं, तो एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो क्लासेस के बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, और लिंक ऑब्जेक्ट के बीच इंटरेक्शन होता है। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एसोसिएशन किस लिए करता है, इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसके इसके बीच, क्लासेस के बीच। और देखते हैं, अच्छा कुछ एक दो मॉडल हैं। और दिखाते हैं तुम्हें। देखो क्या लिखा हुआ, अ क्लास कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ दी सबसेक्शन, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑपरेशन, एट्रीब्यूट्स या ऑल। डेफिनेटली अगर क्लास की बात करें तो वो क्या करता है, ऑपरेशन भी डिफाइन करता है, एज वेल एज क्या डिफाइन करता है, एट्रीब्यूट भी डिफाइन करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि क्लास कंसिस्ट और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी क्या करता है, डिफाइन करता है, यानी कि क्लास किससे मिलकर बना होता है, यानी कि क्लास एग्जिस्ट करेगा तो उसके सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज एन एट्रीब्यूट इज अ डेटा आइटम हेल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, क्लास, ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ द मेंशन एंड नन। तो क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द मेंशन यानी कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स को हेल्ड करते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, डेटा आइटम्स स्टोर किया जाएगा। और देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द मल्टीप्लिसिटी, व्हाट इज द मल्टीप्लिसिटी फॉर एन एसोसिएशन, एसोसिएशन के लिए मल्टीप्लिसिटी क्या है। तो मल्टीप्लिसिटी क्या है कि जितने भी एसोसिएशन में जो क्लासेस, एक्चुअली एसोसिएशन क्या होता है, क्लासेस के बीच इंटरेक्शन होता है, तो उस पर्टिकुलर क्लास के लिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे वो क्या कहलाती है, उस क्लास की मल्टीप्लिसिटी कहलाती है, यानी कि हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ क्या बता रहा है, दैट इज ए द मल्टीप्लिसिटी एट द टारगेट क्लास एंड ऑफ द एसोसिएशन इज द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस देन कैन बी एसोसिएटेड विद द सिंगल इंस्टेंस ऑफ द सोर्स क्लास, यानी कि जो आपकी सोर्स क्लास है उससे क्या होगा कि बताएगा सिंगल इंस्टेंस से क्या होगा, टारगेट क्लास के एंड ऑफ एसोसिएशन नंबर ऑफ इंस्टेंस कितने इन्वॉल्व होंगे। जैसे हमारे पास अगर फाइल और यूजर की बात करें तो हमारे पास कई फाइल हो सकती हैं, कई यूजर हो सकते हैं, यानी कि मोर देन वन यूजर एंड मोर देन वन फाइल हो सकती है। और देखते हैं हम लोग, एक दो और देखते हैं फिर हम लोग। अच्छा ये तुम लोग के लिए, सभी लोग के लिए क्या करा रहा हूँ, जस्ट एक प्रैक्टिस ओवरव्यू करा रहा हूँ कि यूनिट वन के, क्योंकि अच्छा आप लोग की सरप्राइज टेस्ट शेड्यूल हुआ है इस वीक का, सबको मेल मिला? यस सर। ठीक है, तो जो हमारा यूनिट 5 है उसका सरप्राइज टेस्ट क्या है, 5 एंड 6, यानी कि एक तो हमारा कल है और एक हमारा परसों है, ठीक है, ये बात समझ में आई। और हमारा जो यूनिट 1 से जो सरप्राइज टेस्ट है दैट इज अ 7 एंड 8, वो हमारा कब है, दैट इज अ फ्राइडे को है लैब के बाद, और दूसरा कब है, दैट इज अ वो
सैटरडे को क्लास के बाद। अच्छा एक बात का और ध्यान रखिएगा, जैसे कल मैंने एक सिचुएशन देखी, हरी के साथ एक सिचुएशन आ रही थी, वो ये आ रही थी कि मैंने सबको भेजा मैसेज फ्राइडे वाला। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मेरी स्क्रीन अगर दिखाई दे रही हो तो मैं दिखाता हूँ, ये एमसीए का है और मैं दिखा रहा हूँ दिस इज टुडे का है, सैटरडे, और ये देखो फ्राइडे। अगर फ्राइडे में देखें तो यहाँ पे एक मैंने लिंक भेजा था, ठीक है, और लिंक के बाद यहाँ पे एमसीए शायद पहले से रिमूव हुआ था, उसके बाद यहाँ पे ऐड हुआ है, तो ये लिंक उसको दिखाई नहीं दिया और ये वेट करता रहा कि सर वो लिंक हमें नहीं मिला। मैं आपको दिखाता हूँ हरी का भी, कि हरी कहाँ कहना चाह रहा है, तो ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्यों दिखा रहा हूँ आप समझिए। देखिए ये हरी ने मैसेज भेजा कि सर अगर देखिए विपिन सर जो भी नाम लिखा है इसने, वेटिंग फॉर द मैसेज, क्योंकि ये वेट हो रहा है, इसमें आ ही नहीं रहा, तो लिंक आया ही नहीं। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, कभी ऐसे चांस हो जाए तो आप लोग देखिए, मैं एक चीज हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये लिंक अगर आप देखें तो JVN-REAE-OIU है, तो ये लिंक परमानेंट है, तो आप कभी भी लिंक ना मिले तो अपने टाइम पे इस लिंक पे आप इंसर्ट हो जाइएगा, इसको एक्सेस कर लीजिएगा तो आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो कभी ऐसी सिचुएशन आए जिसमें कि लिंक आपको लगा कि नहीं मिला, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, किसी रीजन से अगर होगा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वो 99.99% होगा वो क्लास चल रही होगी, तो आप इस कोड से उस मीटिंग में इंटर हो जाइएगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा कुछ थोड़ा सा बैटरी की प्रॉब्लम है तो मैं ये क्लास यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, ठीक है। हेलो, ओके सर, ओके सर, और हम लोग कल हमारा आगे का होगा, देखेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट मॉडलिंग पढ़ रहे थे, तो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग में देखते हैं और क्या करेंगे हम लोग कल, ठीक है, और ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग बहुत सारे डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि बिना डायग्राम बनाए आप ऑब्जेक्ट मॉडल नहीं परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो मैं क्लास थैंक यू डिस्कनेक्ट कर, सर, ओके, थैंक यू सर। ओके।